हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है कि इसका यूज़ कहाँ है, इसका रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करेंगे। तो एक एग्जांपल तो माइंड में ये आता है कि आप लोगों ने बैग्स देखे होंगे जहाँ पर वो जो सिस्टम आता है जो नंबर से लॉक होते हैं, तो वो नंबर लॉकिंग सिस्टम में आप लोगों ने देखा होगा कि हम नंबर को एक्सचेंज करके उसमें लॉक लगाते हैं। तो जो वो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो नंबर के कितने पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे उसमें 4 डिजिट होते हैं, किसी किसी में 6 होते हैं, किसी किसी में 5 होते हैं, तो वो जो डिजिट जितने भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं वो कितने टाइप के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। मतलब अगर आपको लॉक खोलना है, कोई बंदा लॉक खोलने जा रहा है, या फिर अब मान के चलो एक चोर है, वो एक साइकिल चोरी करने जाता है या कुछ भी चोरी करने जाता है, तो आपने वो लॉक लगा रखा है जो नंबर लॉक वाला होता है। अब उसको कितनी बार ट्राई करना पड़ेगा, उसको कितने कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे कि भाई वो पहुंच जाए, उसको कितने कॉम्बिनेशंस बना के देखने पड़ सकते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशंस हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे कि उसको कितनी सारी ज़रूरत पड़ सकती है कॉम्बिनेशंस की और कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है कि भाई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है। एक हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे इसको कि देखो हमारे पास क्या है कि एक लड़का है जिसका नाम मोहन है। उस मोहन के पास क्या है, 3 पैंट्स है एंड 2 शर्ट्स है। तो पैंट उसके पास तीनों ही पैंट अलग अलग है, मैं उसका नाम दे रहा हूँ P1, P2 और P3, ठीक है। उसके पास पैंट ये है। अब उसके पास शर्ट जो है S1 और S2 है। मान के चलो उसके शर्ट जो है कलर मैंने बोल दिया कि एक का कलर S1 है या एक का कलर S2 है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के शर्ट है। हम मान के चलेंगे कि भाई ये जो P1, P2, P3 है डिफरेंट टाइप्स के पैंट्स है और S1 और S2 जो है ये डिफरेंट टाइप्स के शर्ट है। तो जो मोहन है वो कितने तरीके से पहन सकता है इन दो कपड़ों को, क्योंकि उसे दो चीज़ें तो पहननी है शर्ट एंड पैंट, तो वो कितने तरीके से कंबाइन कर सकता है। पहला चीज़ हम इसको देखते हैं यहाँ पर कि वो कितने तरीके से अपने जो कॉम्बिनेशन है वो बना सकता है कि वो क्या पहनेगा आज के दिन। तो देखो पहला चीज़ तो वो कि वो P1 पैंट पहन लेता है और किसके साथ, S1 शर्ट के साथ, ठीक है। पहला चीज़ तो ये। दूसरा क्या है कि भाई P1 के साथ वो S2 शर्ट पहन लेता है, मतलब पैंट तो वही रखता है लेकिन दूसरा शर्ट पहन लेता है, ये हो सकता है ना, हो ही सकता है। दूसरा केस क्या बनता है कि भाई वो पैंट दूसरी वाली पहनता है, पहला वाला शर्ट पहन लेता है S1, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि P2 के साथ वो S2 शर्ट पहन ले, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर अगर P3 की बात करें तो हो सकता है वो P3 के साथ S1 शर्ट पहन ले, मतलब पैंट थर्ड पैंट के साथ वो शर्ट पहला वाला शर्ट पहन ले, या फिर तीसरे पैंट के साथ वो दूसरा वाला शर्ट पहन ले। ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो बना सकता है, ये हमें पता है। तो ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, हम इसको और देखेंगे कि कितने तरीके से कर सकते हैं और कैसे कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो एक चीज़ आता है, एक प्रिंसिपल आता है जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो वो किस तरीके से काम करता है, उसका यूज़ क्या है, उसको देखते हैं। तो देखो जो ये है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, तो पहले थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। मैं इसी पे लिख देता हूँ इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। ठीक है, तो एक पहला प्रिंसिपल आता है जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप जैसे बोलना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, ये कहता है ना कि कोई भी अगर एक काम, मतलब किसी एक काम को करने के m तरीके हैं, मतलब पैंट पहनने के कितने तरीके हैं, हमारे पास 3 पैंट है तो हम कितने तरीके से पहन सकते हैं, या तो पहला पैंट, दूसरा पैंट या तीसरा पैंट। जैसे मोहन के पास कितने पैंट्स हैं, 3 पैंट्स हैं, और तीनों पैंट्स में से वो कितने तरीके से पहन सकता है, या तो पहला पैंट पहने या दूसरा पैंट पहने या तीसरा पैंट पहने, ठीक है। इन तीनों में से उसके पास चॉइसेस है, मतलब उसके पास चॉइसेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस उसके पास 3 हैं पैंट के लिए। और अगर बात करें कि उसके पास दूसरी चीज़ जो है, दूसरी चीज़ क्या है उसके पास, दूसरी चीज़ है उसके पास शर्ट, तो शर्ट वो कितने तरीके से पहन सकता है, शर्ट उसके पास 2 ही है, तो दोनों में से कोई एक शर्ट चूज करेगा,
या तो शर्ट वन चूज कर सकता है पहनने के लिए या शर्ट टू चूज कर सकता है पहनने के लिए। अगर वो पैंट और शर्ट दोनों ही अगर चीजें साथ में चूज करता है पहनने के लिए, एक पैंट और एक शर्ट, तो वो कितने तरीके के कॉम्बिनेशन बना सकता है या कितने तरीके से पहन सकता है उन पैंटों को और शर्ट्स को, एक एक पैंट, एक पैंट या एक शर्ट जो है, इन जो तीन पैंट्स है और दो शर्ट है, अगर उन दोनों में से कोई उसे पहनना है दोनों को मिला के, किस कोई भी कॉम्बिनेशन वो यूज कर सकता है, मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो वो कोई भी कुछ भी पहन सकता है, पैंट शर्ट कोई भी पैंट वाला, कोई भी पैंट कोई भी शर्ट, तो ऐसे कितने टाइप्स के कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो या तो वो पैंट वन शर्ट वन के साथ पहनता है, पैंट वन शर्ट टू के साथ पहनता है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकता है, वो बिल्कुल बना सकता है। तो जो ये तरीका है, तो मतलब वो कितने तरीके से बनाएगा, देखो हमारे पास पैंट पहनने कितने तरीके, उसके पास तीन तरीके हैं और शर्ट पहनने के दो तरीके, तो वो तो टोटल नंबर ऑफ वो कॉम्बिनेशन जो बनाएगा पहनने के लिए शर्ट और पैंट साथ में, वो बनाएगा 3 into 2। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो यही जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो ये टोटल कितने बनाए उसने, 6, तो उसके पास पैंट कितने तरीके थे, चॉइसेस कितने थे पैंट में से, तीनों पैंटों में से पहनने के, उसके पास 3 चॉइसेस थे। और उसके पास शर्ट पहनने के कितने चॉइसेस थे, उसके पास शर्ट पहनने के 2 चॉइसेस थे, यही तो थे, दो चॉइसेस थे और 3 चॉइसेस थे। अगर वो दोनों को साथ में मिला के पहनना चाहता, शर्ट भी पहन रहा है और पैंट भी पहन रहा है, तो वो उसके पास कितने चॉइसेस बन जाते, तो उसके पास 3 into 2 चॉइसेस बन जाते, इतने बन जाते चॉइसेस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इतने चॉइसेस उसके पास बन जाते। तो अब इसको देखते हैं कि जो ये हमारा दिख रहा है, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, ये क्या बोलता है? ये कहता है कि कोई एक इवेंट जो है उसको हम एन वेज में कर सकते हैं या फिर एम वेज में कर सकते हैं। तो इसने बोला है कि एक काम को अगर हम एम तरीके से कर सकते हैं और दूसरे काम को हम एन तरीके से कर सकते हैं, एक काम को अगर हम एम तरीके से करते हैं और दूसरे काम को एन तरीके से करते हैं, तो अगर हम दोनों को साथ में लेकर काम कर रहे हैं तो हम कितने तरीके से काम कर रहे हैं, एम इंटू कितने नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे, वो है एम इंटू एन। जैसे कि मोहन वाले केस में था कि वो पैंट कितने तरीके से पहन सकता है, वो 3 तरीके से पहन सकता है। पैंट उसके पास जो कॉम्बिनेशन है, पैंट जो है उसके पास, वो टोटल 3 है, तो तीनों में से उसके पास चॉइसेस कितने हैं, 3। और वैसे ही शॉर्ट उसके पास कितने हैं, शॉर्ट उसके पास 2 है, तो चॉइसेस कितने हैं, 2 शॉर्ट्स के, 2 चॉइसेस है ना। तो जो कॉम्बिनेशंस बनाएगा वो टोटल उसके पास 6 चॉइसेस वाली कॉम्बिनेशंस बनेगा, मतलब एक पैंट एक शर्ट अगर साथ में वो कंबाइन करके पहनता है, एक पैंट और एक शर्ट, तो उसके पास जो चॉइसेस बनेंगे वो चॉइसेस कितने बनेंगे, 3 into 2, मतलब कि 6 चॉइसेस बनेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। अगर किसी एक काम को करने के एम तरीके हैं और दूसरे काम को करने के एन तरीके हैं, अगर वो दोनों ही साथ में कर रहा है, दोनों को ही साथ में कर रहा है, तो उसके पास कितने तरीके बन जाएंगे, एम इंटू एन। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो किसी एक काम करने के एन तरीके, किसी दूसरे काम करने के एम तरीके, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसे ही हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और इसे ही हम मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल जो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में आता है, और इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन ये रहा कि हमारे पास टोटल 4 लेटर का एक वर्ड है जो दिया हुआ है, ROSE, रोज हमारे पास एक वर्ड है जिसमें लेटर जो है ROSE है, और बोला है कि इन चारों का ही यूज करके हमें 4 लेटर के डिफरेंट टाइप्स के वर्ड बनाने हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि हमारे पास एक वर्ड है ROSE, रोज, चार लेटर का ROSE। अब इन चारों लेटरों का यूज करके हमें डिफरेंट टाइप्स के वर्ड बनाने हैं, चार ही लेटर के, मतलब कि हमें चारों का ही यूज करके हमें डिफरेंट टाइप्स के वर्ड बनाने हैं। तो हम कितने टाइप्स के वर्ड बना सकते हैं, हमें वो समझना है। तो देखो मैं कहता हूँ मेरे पास जो वर्ड हैं वो कौन कौन से, ROSE, हमारे पास यही तो चार लेटर हैं, ROSE, यही 4 लेटर हैं, ठीक है? अब इन चारों का यूज करके हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट टाइप्स के वर्ड बनाने हैं। तो ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे चार लेटर का एक डिफरेंट टाइप्स के वर्ड बनाने हैं, तो मैं कितने बना सकता हूँ वो देखते हैं, इसको समझते हैं। तो देखो देखो तो जो ये वाला जो ये देखो हमने चार लेटर वाला एक वर्ड बना लिया मान के चलो, तो कितने बना सकता हूँ मैं ऐसे,
चेक करते हैं। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही करेंगे, बाय मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से ही करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। तो देखो, अगर मैं इस जगह की बात करूं, इस जगह की, तो इस जगह में मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, कितने चॉइसेस, देखो हमारे पास वर्ड कौन, लेटर कौन कौन से, आर ओ एस ई। तो जो पहला वाला जो पोजिशन है, मैंने क्या किया कि एक चार लेटर का, एक चार लेटर का एक वर्ड, मतलब हम कितने टाइप्स के वर्ड बना सकते हैं, उसके लिए मैंने एक चार बॉक्सेस बनाए जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड होंगे। तो जो ये पहला वाला पोजीशन जो है, इसको मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ। तो देखो हमारे पास कितने वर्ड हैं, आर ओ एस ई, उनमें से कोई भी, चारों में से कोई भी एक उठा कर रख सकता हूँ। तो मेरे पास चॉइसेस कितने हैं भरने के, मेरे पास चॉइसेस हैं फोर, मतलब पहले पोजीशन को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ, फोर वेज से। बात करते हैं अब दूसरे पोजीशन की। तो पहले वाले में मान लो मैंने एक भर दिया, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने बच गए, तो मेरे पास एक भर दिया मैंने, मेरे पास चार थे, तो बचे कितने मेरे पास, तीन, कोई भी भर सकता हूँ, आर ओ एस सी में से कोई भी एक भर दिया, मान के चलो भर दिया, लेकिन चॉइसेस कितने थे मेरे पास, चार ना, तो मैं इसको चार तरीके से भर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर मान के चलो एक वर्ड कोई फिक्स कर दिया मैंने, अब एक वर्ड फिक्स कर, एक लेटर फिक्स कर दिया, तो अब मेरे पास क्या है कि अब मेरे पास तीन लेटर बच गए। अब तीनों में से जो सेकंड पोजीशन है उसमें कितने कितने तरीके से यहाँ पर भरने के कितने चॉइसेस बन रहे हैं मेरे पास, मेरे पास तीन ही लेटर बच गए, तो इसका मतलब है यहाँ पर चॉइसेस भी कितने होंगे, थ्री ही होंगे। और अगर अगले की बात करें, इस वाले सेकंड पोजीशन की, थर्ड पोजीशन की, थर्ड पोजीशन के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही लेटर बच गए, और दो ही लेटर बच गए, तो दोनों में से कोई एक चूज करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ मतलब चूज करने के कितने ऑप्शंस बच गए, सिर्फ दो ही बच गए ऑप्शंस, तो यहाँ पर हम इसको दो तरीके से भर सकते हैं। और इस पोजीशन को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, एक तरीके से, क्योंकि हमारे पास एक ही लेटर बच गया, तो हम इसको भरेंगे भी एक ही तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं कि चारों तो अलग अलग मान के किया हमने, लेकिन अगर चारों को साथ में कंबाइन करके हम डिफरेंट टाइप्स के अगर हम वर्ड बनाते हैं, तो कितने वर्ड बना सकते हैं। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर एक काम को करने के एन तरीके हैं, जैसे पहले वाले बॉक्स को भरने के चार तरीके हैं, दूसरे वाले बॉक्स को भरने के तीन तरीके हैं, तीसरे वाले बॉक्स को भरने के दो तरीके हैं, और चौथे वाले बॉक्स को भरने के एक तरीका, तो अगर इन सबको साथ में लेके चलेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, या फिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, वो बनेगा 4 × 3 × 2 × 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज या फिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वो कितने बनेंगे, 24। समझ आया, कितना होगा, 24।